हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डनिंग चैनल क्रेजी फॉर प्लांट्स। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो प्लांट जिसके बारे में हम बात आज करने वाले हैं उसको इम्पेशंस प्लांट बोलते हैं। इसको बालसम प्लांट भी बोला जाता है, बट जनरली ये इम्पेशंस के नाम से कॉमन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही ब्यूटिफुल प्लांट है। ये देखिए, इसमें ऑरेंज और वाइट शेड के फ्लावर्स हैं। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में, और ये बहुत ही प्रिटी प्लांट लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं कल ही इसको नर्सरी से लेके आई हूँ, तो ये एक छोटे से पॉट में है। यहाँ पर मैं इसको ट्रांसप्लांट करके इस येलो पॉट में कर दूँगी, और ये ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगेगा। तो मैं आज इसको मोस्टली येलो पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। बात करें इस प्लांट की सॉइल की, तो जैसे कि नॉर्मली हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं अपने बाकी सारे विंटर प्लांट्स के लिए, वैसे ही ऐसा इसका सॉइल प्रिपेयर होगा, जिसमें एक पार्ट होगा गार्डन सॉइल, एक पार्ट होगा सैंड, और एक पार्ट होगा वर्मी कंपोस्ट। इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखिए, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको ज़्यादा एनर्जी की, ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने सॉइल मिक्सचर में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट का क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं इसमें, और इसमें बड्स भी बहुत सारी हैं। इसमें 4-5 बड्स आई हुई हैं, तो वो भी खिल जाएंगी। इसकी अगर धूप की हम बात करें, तो ये प्लांट को ज़्यादा धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और हल्की धूप की, सुबह की धूप की रिक्वायरमेंट होती है। इसको आप तेज़ धूप में मत रखिए, इसको आप थोड़ा ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पर सुबह की धूप आती हो और फिर लाइट रहती हो पूरे दिन, तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। इसके फ्लावर्स भी कई दिनों तक रहेंगे। अगर आप इसको धूप में रख देंगे, तेज़ धूप में, तो फ्लावर्स की लाइफ थोड़ी सी कम हो जाएगी और पत्तियां भी सूखने लगेंगी। ये प्लांट उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों के घर में ज़्यादा धूप नहीं आती, बालकनीज में ज़्यादा धूप नहीं आती, तो वो लोग इस प्लांट को अपने घर में रख सकते हैं। इसमें बहुत ही डिफरेंट शेड्स आते हैं और कलर्स बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, तो आप अपनी पसंद का कलर लेके आ सकते हैं, तो वो बहुत ही सुंदर लगेगा आपकी बालकनी में। इनफैक्ट आप इसको अंदर टेबल पे भी रख सकते हैं अपने। आप ध्यान रखिए कि थोड़े टाइम आप अंदर रख रहे हैं, तो उसको बाहर भी रख दीजिए, मतलब इसको धूप भी मिल जाए सुबह की थोड़ी सी, 2-3 दिन में एक बार, तो भी ये प्लांट आपका अच्छा चलेगा। अब अगर बात करें इसके पानी की, तो इस प्लांट को पानी पसंद है, तो आप इसकी वाटरिंग रेगुलरली करिए, और इसको ड्राई नहीं होने दीजिए, क्योंकि इसको पानी पसंद है। अगर ये ड्राई हो जाएगा तो इसकी लीव्स और इसके फूल सूखने लग जाएंगे, तो आप ऐसे पानी दीजिए इसको कि इसका टॉप सरफेस भी ड्राई ना हो, इसमें पानी रहे, मतलब एकदम भी सॉगी ना कर दीजिए कि एकदम ही सॉगी हो जाए सॉइल इसका, अदरवाइज़ इसकी रूट्स जो हैं वो गल जाएंगी। बट आप ऐसे देखिए कि इसकी टॉप सरफेस को भी आप ड्राई मत होने दीजिए, उसमें रेगुलरली पानी डाल दीजिए आप उसमें, तो ये प्लांट आपका अच्छा चलेगा। इसमें आप मल्चिंग भी कर सकते हैं, इसकी जो किनारे का एरिया है उसमें जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वो भी डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, इसका टॉप सर्फेस ड्राई नहीं होगा, तो प्लांट अच्छा चलेगा। अब जैसे मैं इसको अभी दूसरे पॉट में चेंज करूँगी इसका पॉट, तो मैं इसमें थोड़ी सी सूखी पत्तियाँ जो मेरे बाकी के ये जो प्लांट्स हैं इनसे निकली हैं, वो मैं इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी, तो उससे क्या रहेगा कि इस प्लांट में मॉइस्चर बना रहेगा और इसका सॉइल सूखेगा नहीं, और ये इस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर इस प्लांट में आपकी फ्लावरिंग कम हो जाती है, तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं रेगुलरली। आप 15 दिन में थोड़ा सा ऊपर का सॉइल निकाल के इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, तो ये प्लांट में अच्छे अच्छे फूल खिलते रहेंगे। और आप इसमें फर्टिलाइज़र पोटैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में पोटैश डाल के उस जो सोल्यूशन बनेगा उसको थोड़ा थोड़ा इस प्लांट में डाल दीजिए, तो उससे इसकी फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी भी पूरी होती रहेगी और ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर आप इसकी केयर करेंगे तो आपकी बालकनी में ये बहुत सुंदर लगने वाला है, और आप इसको
बड़ी बास्केट में भी इसके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स लगा सकते हैं अपनी बालकनी में, अपने टेरेस पे, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं मल्टी कलर शेड्स एक ही पॉट में। मेरे पास तो ये एक ही कलर है अभी तो, लेकिन अगर आपको ये प्लांट ज़्यादा पसंद आता है तो आप एक पॉट में इसके मल्टी कलर भी डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा आपकी बालकनी में। ओके फ्रेंड्स, इस इम्पेशंस प्लांट के लिए मेरे पास अभी यही इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं जल्द से जल्द आपकी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और प्लांट को अपने वीडियो में कवर करूं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, मैं उस प्लांट के अराउंड वीडियो कवर करने का ट्राई करूंगी। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है